हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक जो करवाने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम चैप्टर करने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है ना, उस फ्लक्स का जो मतलब होता है वो होता है प्रभाव। प्रभाव मतलब एक तरह से धार बोल सकते हो, धार। जैसे देखो पानी जा रहा है तो पानी का जो प्रभाव होता है किधर की ओर जा रहा है वो, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो देखो फ्लक्स ना, जैसे पानी जाएगा तो पानी का फ्लक्स बोलेगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बोलेगे, मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बोलेगे, ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या बोलेगे, फ्लक्स बोलेगे, ठीक है? क्लियर है? तो देखो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे नहीं हो, इस कारण से मैं आपको ना इस ये पूरा जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है मैं आपको वाटर से समझाता हूँ, ठीक है? वाटर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना? जैसे देखो क्या है ना, फ्लक्स हम किस तरह बोल सकते हैं, जैसे ये ग्लास है, ठीक है? ऊपर से मान लो पानी आ रहा, क्लियर है? तो जो पानी आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वाटर। देखो वाटर नंबर तो नहीं होता है, ठीक है? वाटर को नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि अनकाउंटेबल वो है, ये काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्लियर है? तो हम लोग फिर भी हम आपको नंबर ऑफ वाटर बोल रहे हैं क्योंकि आप इससे अच्छे वे में समझ जाओ, हम समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो आप समझ जाओ, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू इट इज नॉन एज क्या, वाटर फ्लक्स। देखो ये जैसे एक एरिया है, इसमें नंबर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू इट इज नॉन एज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी वाटर फ्लक्स बोलेगे उसको, ठीक है? समझो हम परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वाटर ऐसे जा रहा होगा वो तो इसके अंदर नहीं जाएगा ना, जो वाटर ऐसे जा रहा होगा वो तो इसके अंदर नहीं जाएगा। जाने के लिए बताओ वाटर को क्या, कौन सा हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वाटर फ्लक्स। जो ऐसे भी जा रहा हो ना तो हम लोग उसका ये कॉम्पोनेंट लेंगे, अगर मान लो ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो हम उसका कौन सा लेंगे, वो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट लेंगे जो अंदर जा रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो ध्यान देना हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स जो होगा, बताओ इसमें वाटर कब ज्यादा जाएगा, जब वाटर का इंटेंसिटी क्या हो, ज्यादा तो वाटर इसमें क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ वाटर, लिख सकते हैं, ठीक है? अब बताओ ये जितना बड़ा एरिया होगा इसका उतना ज्यादा इसमें क्या जाएगा, वाटर जाएगा। छोटे एरिया में कम वाटर, बड़े एरिया में बड़ा वाटर, ज्यादा वाटर जाएगा, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो अगर इन दोनों को मिला हो तो फ्लक्स इक्वल टू इज E W इनटू क्या हो जाएगा, A। एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, E W A, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पे ना कुछ गलत है इस फॉर्मूले में। क्यों गलत है तो सुनना, जब हम बोलते हैं ई डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है, तो अगर मान लो वाटर ऐसे की जगह ऐसे जा रहा होता, 10 यूनिट मान लो वाटर ऐसे जा रहा होता, एरिया 10 यूनिट है, तो हम क्या लिखते हैं 10 इंटू, अगर मान लो वाटर ऐसे जा रहा होता 10 यूनिट और एरिया इसका 10 यूनिट है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाता है, 10 इंटू 10 100 यूनिट हो जाता ना प्लस, जबकि वाटर तो जीरो गया, वाटर तो इससे गया ही नहीं। तो प्रैक्टिकली देखो प्लस क्या होना चाहिए था, अगर वाटर ऐसे जा रहा है तो जीरो, लेकिन इसके फॉर्मूले से क्या आ रहा है, 100। तो मतलब यहाँ कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर्स है जो कि यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए। तो आप लोग खुद बताओगे यहाँ कौन सा पैरामीटर्स होना चाहिए, उससे उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एरिया इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या आंसर दोगे? ओके, हम लोग हमें दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट बना रहा था कि एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों तो सुनो, ये एल है, ये बी है, हम लोग एरिया क्या लिखते हैं, एल बी, ये गलत है, इसका ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है? एरिया का फॉर्मूला होता है एल, ये किसका कंडीशन है, ये हमेशा ये फुलफिल नहीं होगा एलियन, तो भी ये कंडीशन है, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखते हैं एल क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी एरिया। हाँ एल बी क्यों लिख देते, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो बताओ एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी साइन क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो साइन थीटा आता है ना, और साइन थीटा क्या होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री, ये हम लोग क्या लिख देते हैं, एल बी साइन 90, तो ये क्या हो जाता है एल बी, ठीक है? तो ये हमेशा एरिया का ये फॉर्मूला नहीं होता है एल बी, ये बस रेक्टेंगल के लिए होता है, क्यों, क्योंकि एंगल क्या होता है 90 डिग्री। रियल फॉर्मूला क्या है, एल क्रॉस बी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है? जैसे देखो अगर यहाँ पैरेललोग्राम होता,
अगर मान लो पैरेललोग्राम होता थीटा तो हम लोग क्या लिखते एरिया वहां पे, फिर हम लोग क्या लिखते एरिया, एल बी साइन थीटा लिखते, समझ में। फिर देखो अब हम लोग यूज करें ना साइन थीटा का, हम लोग इसको भी रट लिए, पता है क्या किया हम लोग इसको रट के ये लेके आना, हम लोग ये बोलते हैं कि बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस इंटू जब हाइट लोग, मान लो ये हाइट एच है, तो एच क्या होगा इस ट्रायंगल में, आओ एच अपॉन एल इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, तो एच इक्वल टू क्या आ गया एल साइन थीटा। तो हम लोग इस तरह कर लेते बेस इंटू अपॉन बेस इंटू हाइट कर लेते हैं, जबकि फॉर्मूला क्या होता है एल क्रॉस बी, और इसको ओपन करने के बाद क्या आता है एरिया एल बी साइन थीटा, और हम लोग ये बोल देते हैं कि क्या एल साइन थीटा क्या है हाइट, समझ में आया। रियल फॉर्मूला क्या है एल क्रॉस बी, अपने आप साइन थीटा आ जाएगा ना क्रॉस को खोलोगे तो इसलिए हम लोग इसके लिए सपोज कर लेते हैं ना, क्योंकि इसको भी रट लेते हैं बेस इंटू हाइट कर देते हैं हम, जबकि एल क्रॉस बी होता है हर जगह, ठीक है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आज पता चल गया एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ तो फिर डायरेक्शन क्या होता है एरिया का, तो देखो एरिया का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, यह है देखो, जैसे ये एरिया का डायरेक्शन निकालना, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का, देखो अभी अभी प्लस टू में ना कई जगह तुम रूल पढ़ोगे, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल कई सारे रूल पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग कोई भी रूल याद मत करो, कोई भी यू रूल समझे मत, बस एक रूल समझो, वो कौन है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर जिसको क्रॉस प्रोडक्ट पे कमांड है तो उसे कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट पे कमांड होना चाहिए, ठीक है, फिर अपने आप सब रूल बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट ही सभी का बेसिक है, ठीक है। तो देखो अगर ए क्रॉस बी होता है तो ए पे हाथ रखो, बी की तरफ डंक मारो, बी की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा किसका डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी का। तो देखो अगर एल क्रॉस बी है तो एल पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमाते एरिया डायरेक्शन इधर, अगर इसको एल मानते इसको बी, तो एल हाथ इधर रखो बी की तरफ घुमाते इधर क्या एरिया का डायरेक्शन। तो इससे ये पता चला कि प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया का क्या होता है डायरेक्शन, जैसे ये है हमारे पास सपोज कर लो जैसे ये है, तो कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे किस एरिया का डायरेक्शन, तो बोलेंगे इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई बोलेगा इसका डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर, कोई बोलेगा इसका इसका परपेंडिकुलर, कोई बोलेगा इसका इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ तो देखो परपेंडिकुलर अब बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, किसी ओपन सरफेस के लिए, जैसे ये ओपन सरफेस है तो अंदर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड होता है क्लोज सरफेस के लिए, हम लोग पढ़ेंगे कैसे उसका एंगल निकालते आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है ना अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, हाँ तो सुनना, अब अगर इसकी बात करते हो तो बताओ इसका एरिया वेक्टर हम अंदर मानते हैं, ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर हम अंदर मानते हैं, ठीक है। तो बताओ एरिया वेक्टर इधर अगर पानी ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर इधर पानी अगर ऐसे ही गया तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितने का एंगल है, 90 का। तो इस कंडीशन में बताओ पानी अगर ऐसे जाता है तो पानी कितना जाता है, जीरो। फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो, कब, जब ये 90 पे। तो बताओ 90 पे ऐसा कौन क्वांटिटी है जो जीरो होता है, कौन क्वांटिटी है जो जीरो होता है 90 पे, वो कौन है, कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, क्योंकि देखो ना ये वाटर जब ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर 90 बना के, तो देखो प्रैक्टिकली भी वाटर इसमें तो आएगा नहीं अगर वाटर ऐसे गया तो, और इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप क्या हो, वाटर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर तो हमेशा इधर ही रहेगा नीचे माने ये, और वाटर भी अगर इधर गया तो बता एंगल क्या होगा, जीरो, इसमें मैक्सिमम होगा। तो चेक कर लो कॉस जीरो पे ये क्या होगा, ये वन हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम, कॉस जीरो तो क्या हो गया ई डब्ल्यू टू एक, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट है हमारे पास, ये फॉर्मूला क्या है कंप्लीट है, ठीक ना। तो ये वाटर से हम कंपेयर करवा दिए, अब वाटर की जगह तुम यहाँ पे अगर फ्लक्स इक्वल टू चाहे तो वाटर को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, और एरिया वही रहेगा कॉस थीटा, तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड फ्लक्स होता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हाँ। तो अब फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये एक नंबर है, नंबर कभी वेक्टर हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ अगर ये भी देखो ना फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए, और हम लोग पढ़े हुए हैं
ई डॉट ए को, ई डॉट ए कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका आंसर फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दोनों तरफ का समझ सकते हो, ठीक है। यूनिट तो पता चल ही गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपको पता चल गया कैसे होता है, ठीक ना। इस पे अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्या है, जैसे देखो क्या है ना, हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 I + 4 j + k, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देखो अब पूछा हुआ है ना, फाइंड द फ्लक्स ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसके लिए ना हमें कोऑर्डिनेट पता करना होगा, हमें एक्सेस मानना होगा। जैसे देखो क्या है ना, सुनना, ये मान लो एक्स एक्सिस है, सुनो, ये मान लो ये एक्स एक्सिस, मान सॉरी इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो और इसको जेड, एक्स इसको वाई और इसको जेड मान लो, ठीक है। जब बोला एक्स वाई प्लेन बताओ एक्स और जेड की हेल्प से बनेगा, जेड एक्स प्लेन बोला है, जेड एक्स प्लेन किसकी हेल्प से बनेगा, एक्स और जेड की। तो बताओ एक्स इधर है, एक्स इधर है और जेड इधर है, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्लेन कौन होगा बताओ, ये होगा, सिंपल से देखो, इधर नीचे मान चलो, इधर देखो, ये एक्स मान लो, इसे जेड मान लो, इसे वाई, एक्स जेड और इसको क्या मान लो, वाई। तो एक्स जेड प्लेन कौन होगा, जो एक्स और जेड की हेल्प से बना, इसे एक्स मान लो, इसे जेड। तो बताओ ये प्लेन क्या होगा, एक्स जेड, ये प्लेन क्या होगा, एक्स जेड। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एक्स जेड प्लेन का एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर इधर परपेंडिकुलर अपवर्ड, इधर मान रहे हम, उधर भी मान सकते हो, हम इधर मान रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई। तो बताओ एक्स जेड प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका पता है एरिया वेक्टर किधर होगा, वाई एक्सिस की तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो एरिया है वो क्या है, 20 मीटर स्क्वायर वाई की तरफ, तो ना तो जे क्या, फिर से देखो ये एक्स ये जेड, तो इधर क्या होगा, वाई, इसका एरिया वेक्टर किधर है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, इधर, तो वो क्या होगा, वाई की तरफ जे, ठीक है। तो अब पूछा हुआ फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, तो यहाँ पे लगा दो ई, 3 I + 4 j + k डॉट 20 j, ठीक है। बताओ आई का किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, आई के साथ 0 के साथ, क्योंकि इधर कुछ है नहीं, तो 0, जे का जे के साथ होता है, तो 24 j 80 आ गया, के का के साथ कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0, क्योंकि इधर के नहीं है ना, तो के का 1 × 0 कर दो, 3 × 0 कर दो, बस बचा क्या, जे के साथ बस कर दो, जे का जे के साथ, तो 24 j 80, तो क्या हो गया, इतना फ्लक्स होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो ये फ्लक्स आ गया, ठीक ना, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज जो बात समझे वो क्या था, एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी, ये फ्लक्स निकालने का तरीका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर डाउट हो, या कोई भी न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, चाहे वो एससी वर्मा का हो, चाहे वो डीसी पांडे का हो, या इरोडो का हो, ठीक है, किसी के रिगार्डिंग में अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर मुझे, क्वेश्चन नंबर एंड चैप्टर मुझे मैंशन कर दीजिए, मैं उसे अपने वीडियो लेक्चर में करने की कोशिश, मैं आपको जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को अपने वीडियो लेक्चर में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट देखो क्या है ना, अगर आपको आगे जेईई मेंस और एडवांस में क्वालिफाई होना है तो प्लीज, या नीट में प्लीज, T3 जरूर ज्वाइन कीजिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट का, चाहे वो जैसे, चाहे वो आकाश हो, LN हो, करियर पॉइंट हो, वाइब्रेंट हो, रेजनेंस बंसल, किसी ना किसी का जरूर T3 ज्वाइन कीजिए, इससे आपको आपका फीडबैक पता चलता रहेगा, ठीक ना।
लोकल कोचिंग में पेपर का लेवल बहुत डाउन रखा जाता है, इससे स्टूडेंट का नंबर बहुत अच्छा आ रहा होता है, उन्हें लगता है कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा प्रिपरेशन तो अभी कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो हर साल ऐसा ही हो रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है लोकल कोचिंग कोचिंग के स्टूडेंट को। तो आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करो उसको। वो देखो, वो जो टेस्ट होगा ना, इक्विवेलेंट होता है जेईई मेंस और एडवांस के, ठीक है। तो आपको देखो हर साल नए नए क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे एक रिसर्च टीम बैठी रहती है, जो भी बड़ी इंस्टीट्यूट है वो जानती है किस तरह का क्वेश्चन अगले साल किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, उनको आइडिया होता है। तो इसलिए जरूर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो लाखों स्टूडेंट के बीच में आप टेस्ट दे रहे हो। तो अभी लोकल, आप जैसे किसी छोटे कोचिंग में हो तो उसमें कितने ज्यादा ज्यादा 100 200 के बीच में आप दोगे, वहां पे कई सारे स्टूडेंट के बीच में आप दोगे, तो कंपटीशन आपको फेस, रियल कंपटीशन वहां फेस करोगे, तो आप बाद में जेईई मेंस में आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक ना। तो जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक ना। बिना टेस्ट सीरीज का आप सोचो कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आपके दिमाग में आप गलत अपने आप को जज उस समय कर लो, क्योंकि लोकल टेस्ट सीरीज देने से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते। तो जरूर टेस्ट सीरीज दो। ओके, थैंक यू।